तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एनएसटी टेक ओवर इन योर हाउस की स्टार रेटिंग के बारे में, जो कि यहां पर निकल के आ चुके हैं। टेक ओवर फिर से हमने देखा था एनएसटी के यहां पर हुआ था, जो कि काफ़ी ना कमाल का गया था, एक बहुत ही बढ़िया फेटल फाइव वे मैच हमें देखने मिला था। तो अब स्टार रेटिंग निकल के आ चुकी है, देखते हैं यहाँ पर किस मैच को यहाँ पर कितने स्टार मिले हैं, तो वही यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले किक ऑफ मैच के बारे में, तो किक ऑफ के अंदर भी हमें एक मैच देखने मिला था, जो कि यहाँ पर एक टीम मैच था, जो कि था सरे एंड जोई स्टार्क वैसे आली एंड जैसी कामिया के बीच में। और इस मैच को यहाँ पर मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन रेटिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 2.25 स्टार। और बात करें मेन शो की, जहाँ पर ओपनिंग के अंदर मैच हमें देखने मिला था, वो था यहाँ पर एक विनर टेक्स ऑल मैच, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप और टैग टीम चैंपियनशिप का यहाँ पर यह मैच था, जहाँ पर मैच था ब्रॉन्सन रीड एंड एम एस के वैसे लेगाडो डेल फैंटास्मा के बीच में। और काफ़ी बढ़िया मैच हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ पर यह मैच काफ़ी ना बढ़िया लगा था, ओपनिंग के हिसाब से काफ़ी ना बढ़िया मैच था, ज़बरदस्त मैच था। और रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग भी यहाँ पर इस मैच को ज़बरदस्त मिली है, क्योंकि यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 4 स्टार। अगला मैच था जो कि था यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज वर्सेस जायर ली के बीच में। इस मैच के अंदर पहले से यहाँ पर मेरा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, और मैच भी हमने देखा था उतना यहाँ था कुछ खास था नहीं, बस एक ठीक ठाक सा मैच हमने देखा था। और रेटिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस मैच को मिले 2.25 स्टार। अगला मैच था जो कि था मिलियन डॉलर चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच, कैमरन ग्राइम्स वर्सेज यहाँ पर एले नाइट के बीच में, जो कि हमने देखा था। इस मैच को एले नाइट जीत गए थे और बन गए थे यहाँ पर न्यू मिलियन डॉलर चैंपियन। और मैच हमने देखा था, लैडर मैच था, काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिला था। तो रेटिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस मैच को मिले 3.75 स्टार। तो मेरे हिसाब से इस मैच को भी काफ़ी ठीक ठाक रेटिंग यहाँ पर मिल गई है। अगले मैच के बारे में बात करूँ, जो कि गाइस यहाँ पर हुआ था एनएसटी विमेंस चैंपियनशिप के लिए रकेल गोंजाल्विस वैसे एम्बर मून के बीच में। इनके बीच भी काफ़ी सही मैच हमने देखा था, एम्बर मून रकेल गोंजाल्विस दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, काफ़ी बढ़िया मैच इन्होंने यहाँ पर दिया था। टाइटल वगैरह तो चेंज यहाँ पर हुआ नहीं था, लेकिन मैच हमें अच्छा देखने को मिला था। तो रेटिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस मैच को मिले 3 स्टार। इस मैच को मेरे हिसाब से, इस मैच के हिसाब से काफ़ी सही रेटिंग यहाँ पर मिल गई है। और मेन इवेंट की अगर मैं बात करूँ, जो कि था यहाँ पर एनएसटी चैंपियनशिप के लिए एक फेटल फाइव वे मैच, कैरियन क्रॉस यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे काइल ओ'रायली एडम कोल जॉनी गार्गनो और पीट डन के सामने। काफ़ी बढ़िया मैच हमने देखा था, मतलब मज़ा ही आ गया था इस मैच को देख के। सारे सुपरस्टार ने इस मैच में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, कहीं पर भी ये मैच ऐसा नहीं लगा था कि बोर हमें यहाँ पर ये कर रहा हो, सारे सुपरस्टार ने एकदम मचा के रख दिया था इस मैच के अंदर। और रेटिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो पूरे कार्ड में से सबसे ज़्यादा रेटिंग इसी मैच को मिली है, क्योंकि यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 4.25 स्टार। तो जिस तरीके का बढ़िया मैच हमने देखा था, तो उसी तरीके की यहाँ पर रेटिंग इस मैच को मिली है। अब कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वाली रेटिंग सही लग रही है, या फिर कमेंट करके आप लोग मुझे सारी मैचेस की अपनी रेटिंग बता सकते हो, आप किस मैच को कितना रेट कर रहे हो और ये रेटिंग आपको सही लग रही है, या फिर किसी मैच को थोड़े ज़्यादा मिलना चाहिए थे, कम मिलना चाहिए, आप उसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक की भी नहीं आना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।